नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ इस वक्त अरविंद कुमार सिंह। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के साथ शुरुआत करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। शाहजहांपुर जनपद से नगर जलालाबाद काशीराम कॉलोनी के ब्लॉक 11 के 122 नंबर कमरे में रहने वाली महिला पूर्णिमा सक्सेना ने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर बताया कि वह नगर में मोहल्ला प्रताप नगर सहित कई मोहल्ले में किराए पर रह चुकी है। वर्तमान में वह काशीराम कॉलोनी में रहती है। उन्होंने कॉलोनी के आवंटन के लिए आवेदन किया था, जिसमें दो बार आवंटन सूची की लिस्ट में उनका नाम शामिल था, परंतु बाद में जाँच करने वाले कर्मचारियों ने महिला का नाम लिस्ट से हटा दिया, जिससे महिला काफी परेशान है। इस संबंध में जब वह उप जिलाधिकारी शिकायत करने गई तो उप जिलाधिकारी बरखा सिंह ने उसकी शिकायत को अनसुना कर दिया और उसको ऑफिस से बाहर निकलवा दिया, ऐसा आरोप है। वह तैनात कर्मचारियों ने महिला को धक्का देकर बाहर निकाल दिया है। महिला का आरोप है कि उन्होंने अधिशासी अधिकारी को कई बार प्रार्थना पत्र दिया, परंतु उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वही मौके पर बैठे नगर पालिका के चेयरमैन महेंद्र बाबू गुप्ता ने महिला को आश्वासन दिया कि जाँच करवाकर दोबारा से उनका नाम सूची में शामिल करवा दिया जाएगा। वही महिला ने कहा कि यदि उसको आवास का आवंटन नहीं हुआ तो वह आत्महत्या कर लेगी और इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों से भी करेगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूर्णिमा सक्सेना है। कहाँ की रहने वाली हैं? हम सर जलालाबाद के प्रताप नगर में किराए पर रहते हैं। आज कई सालों से गांधी नगर रहे, जलालाबाद रहे। इस समय हम प्रेजेंट टाइम में काशीराम कॉलोनी 11 ब्लॉक 122 नंबर कमरे में आज दो साल से रह रहे हैं। हमारा बराबर लिस्ट में नाम आता रहा, लास्ट की जांच में हमारा नाम निकाल दिया गया। किसी के कहने पर अधिकारियों लोगों ने गलत जांच की है। हम चाह रहे हैं दोबारा से जांच की जाए और रद्द करके दोबारा से फाइल पड़ी जाए, क्योंकि हमारा बराबर बच्चा जानता है, नगरवासी हर अधिकारी नगर पालिका के जानते हैं कि हम यहाँ रहते हैं जलालाबाद में, लेकिन फिर भी मेरा नाम निकाल दिया गया। हम चाह रहे हैं फिर से रिपोर्ट बनाई जाए, नहीं तो सर हम जाएंगे सजानपुर में और हम आत्मदाह कर लेंगे, हम आत्महत्या कर लेंगे। उन्होंने मेरी बात को सही तरीके से सुना नहीं और रूम से बाहर निकाल दिया। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा जाओ, आप पत्र नहीं आया, इनको धक्के मार के बाहर निकालो, इस तरह से बात की, इनको बाहर निकालो, बदतमीजी से बात की। अरे किसी की परेशानी सुनी जाती है, उसकी परेशानी सुनती बात करती कि किस तरह से नाम निकाल दिया गया। उन अधिकारियों को बुलाती कि जिन अधिकारियों ने हमारी गलत रिपोर्ट बनाई है उनसे बात की जाती कि ऊपर से हम ही को मतलब बोला कि निकल जाओ आप बाहर जाओ। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।